मरण का स्थिति का अनुभव लेना है, जागृत मृतासन यानी मरण स्थिति का अनुभव करना है, बिना सोते हुए, ध्यान में रखना है बिना सोते हुए। तो आज के भागदौड़ के जमाने में मनुष्य अस्थिर, चंचल, असुरक्षित बन गया, आत्मविश्वास खो बैठा है। तो ये खो गए आत्मविश्वास को फिर से पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने योगाभ्यास अंतर्गत शवासन का महत्व बताया। इस बारे में घेरंडम मुनि कहते हैं, उत्तानम शवोद्भूमौ शयनम तत्शवासनम, शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारणम। यानी अपने पीठ के बल जमीन पर लेटकर शवव स्थिति में पड़े रहना, जैसा मुर्दा पड़ा है वैसे पड़ा रहना है। शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारणम, शवासन से हमारा थके मांदे शरीर को आराम मिलता है, विश्रांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, बढ़ा हुआ रक्तदाब। जब हम आंखें बंद करके शवासन करते हैं तो हमारे आंखें बंद करने से हमारे शरीर में अल्फा वेव्स का ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है और हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो कम होने में मदद हो जाती है। तो हृदय रोग, जो जिनको हृदय रोग है, हृदय रोग व्यक्ति के लिए शवासन एक रामबाण उपाय बताया गया है। और 10 या 15 मिनट का हम शवासन करते तो 4 या 5 घंटे के नींद का अनुभव उसे प्राप्त हो जाता है, और ऐसा अनुभव कई लोगों ने प्राप्त भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी बाबा, जो दिन के 24-24 घंटे अपने संशोधन में, अपने कार्य में लगे रहते थे, जब कभी समय मिलता तो 15-20 मिनट का वो शवासन करते थे और फिर से वही एनर्जी से, वही उत्साह से वो अपने संशोधन में लग जाते थे। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश करते वक्त अपना विराट रूप का दर्शन दिया था, और वो विराट रूप देखकर अर्जुन घबरा गया। अर्जुन की संभ्रमावस्था देखकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, घबराना नहीं, यही रूप तुम्हारा है, हर एक संसारियों का है। हर एक संसारियों के अंदर 14 भुवनों का वास होता है। कमर से नीचे सप्त पाताल, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, भूतल और पाताल यानी पैर के तलवे, और कमर से ऊपर वाले सप्त लोग, जैसे भू, भुआ, स्वाहा, महा, जना, तपा और सत्य। भूलोक यानी, जैसे मैंने बताया कि मूलाधार चक्र गुदा का स्थान, भूवर लोक यानी स्वादिष्ठान चक्र ओटीपोट का भाग, स्वर्गलोक यानी नाभि का स्थान, मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र, महालोक यानी छाती का मध्य, अनाज चक्र, जनालोक यानी कंठ का स्थान, विशुद्धि चक्र, और तपोलोक यानी भ्रुकुटी मध्य, आज्ञा चक्र, और अंत में सत्यम यानी सहस्रार चक्र, तालु का भाग। तो ये हमारे शरीर में 14 भुवने हैं, लेकिन 14 भुवनों का प्रवास हमें आज शवासन में नहीं करना है, हमको केवल 13 भुवनों का ही प्रवास करना है। जैसे हमने षट चक्र का दर्शन में ध्यान करते तो 6 चक्र होते हैं, ऊपर का चक्र में हम नहीं जाते, क्योंकि संसारी लोगों के लिए सहस्रार चक्र में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कभी कभी आदमी विरक्त तो होकर संसार छोड़ के चला भी जाता है। तो ये ध्यान में रखते हैं, इसलिए हमारा ध्यान रहता है वो हमारे भ्रुकुटी मध्य तक ही हम साधना करते हैं। तो हमारे पैर से तलवे से लेकर हमारे भ्रुकुटी मध्य तक 13 लोगों के हमें सफर करने के, चंद्रलोक का सफर करना है। चंद्रलोक यानी आसमान का चंद्रलोक नहीं, तो चंद्रलोक यानी हमारे भ्रुकुटी मध्य, जहाँ हम कुमकुम तिलक लगाते हैं उसको चंद्रलोक कहा जाता है। यहाँ से अमृतकण का वर्षा हो जाता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक ये अमृतपान प्राशन करते हुए हजारों साल तक तपश्चर्या करते थे। तो हम अभी हमारे पैर से तलवे से लेकर हमारे भ्रुकुटी मध्य तक एक एक अवयव को ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए एक एक अवयव की चेतना निकालते निकालते हमें ये 13 भुवनों का प्रवास करना है। उसके लिए हम अभी सो जाएंगे, हाँ, पीठ के ऊपर सो जाएंगे। विश्राम पोजीशन में आ जाइए सभी लोग। पीठ के ऊपर सो जाना है, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, जैसा मुर्दा पड़ा है वैसे पड़े रहना है। हम जब कहेंगे आप उठ के बैठो, दोनों हाथों का घर्षण करो, चेहरे पे हाथ घुमाओ, और उसके बाद ही आपको आंखें खोलनी है। उसके पहले आपको आंखें नहीं खोलनी, ध्यान में रखना है, बीच में आंखें नहीं खोलनी है, आपको केवल सुनना है जो मैं कहता हूँ, वो सुनते हुए आपको वैसी तरह आपका लक्ष्य उस अवयव पर केंद्रित करना है, और मन में ऐसी कल्पना करनी है कि हम संकल्प करना है कि मैं शवासन का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मेरे शरीर को और मन को पूरी तरह से विश्रांति मिलने वाली है। ऐसे मन में संकल्प करते हुए हम शवासन के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमारे दोनों पैरों में एक या डेढ़ फीट का अंतर, छोटी उंगली जो है वो जमीन को लगाने की कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती नहीं लगानी है, जो छोटी उंगली जमीन की तरफ, और पूरी तरह से पैर में एक या डेढ़ फीट का अंतर, हाथ शरीर से एक फीट के दूरी पर,
हाथ के तलवे जो है वो आसमान की तरफ, हाथ के तलवे आसमान की तरफ, हाथ की उंगलियां दस उंगलियां आधी बाकी हुई, अर्ध्या मुठी वळलेला, हाथ की दस उंगलियां आधी बाकी हुई, अपनी गर्दन बाई तरफ झुका दो, अपनी गर्दन बाई तरफ झुका दो, यानी सूर्य नासिका ऊपर रहेगी, अपनी गर्दन बाई तरफ झुका दो सूर्य नासिका ऊपर, ज़्यादा भी नहीं झुकाना है क्योंकि थोड़ी सी दर्द हो सकता है, तो थोड़ी झुकानी है, अपनी गर्दन थोड़ी सी बाई तरफ झुका दो और आँखें बंद, आंखें बंद, अभी बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है, हम जब कहेंगे आप उठ कर बैठो, दोनों हाथों का घर्षण करो, चेहरे पे घुमाओ, उसके बाद ही आपको आंखें खोलनी है। तो अभी हम शवासन के लिए शुरुआत करने वाले हैं, हमारा पूरा लक्ष्य जो है वो पैर के तलवे पाताल वहां पे लेके जाना है, हमारा पूरा लक्ष्य हमारे पैर के तलवे पाताल वहां पे लेके जाना है, उस पैर के तलवे की हम चेतना निकाल रहे हैं ऐसे मन में कल्पना करनी है, हमारे पैर के तलवे की चेतना हम निकाल रहे हैं ऐसे मन में कल्पना करनी है, हमारे पैर के तलवे की चेतना निकाल रहे हैं, पैर के तलवे की चेतना निकाल रहे हैं ऐसे मन में कल्पना करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पैर की दस उंगलियां, पैर का ऊपर वाला हिस्सा, पैर के मुंद्रे भूतल वहां की चेतना निकालेंगे, पैर की दस उंगलियां, पैर के ऊपर वाला हिस्सा, पैर के मुंद्रे भूतल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर की नडगिया ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा रसातल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर की नडगिया ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा रसातल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर की छोटी पिंडलियां पोटरियों का भाग ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा तलातल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर की छोटी पिंडलियां पोटरियों का भाग ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा तलातल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर के घुटने जानू ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सुतल वहां की चेतना निकालेंगे, दोनों पैर के घुटने जानू सुतल वहां की चेतना निकालेगी, उसके ऊपर दोनों पैर की बड़ी पिंडलियां मांडियों का भाग ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा वितल वहां की चेतना निकालेगी, दोनों पैर के मांडियों का भाग बड़ी पिंडलियां ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा वितल वहां की चेतना निकालेगी, दोनों पैर की जंघें दोनों नितंब कमर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा अतल वहां की चेतना निकालेगी, दोनों पैर की जंघें दोनों नितंब कमर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा अतल वहां की चेतना निकालेगी, अब हमारे कमर से नीचे वाले सभी अवयव मृत हो गए हैं, सभी अवयव की चेतना हमने निकाल दी गई है, सभी अवयव मृत हो गए, उसकी तरफ अभी हमें ध्यान नहीं देना है, अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर गुदा का स्थान मूलाधार चक्र गणेश भगवान का स्थान वहां की चेतना निकालेगी, गुदा का स्थान मूलाधार चक्र गणेश भगवान का स्थान यहाँ की चेतना निकालेगी, यहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का उगम यहाँ से होता है, ये देवता रूपी नाड़ियों का उगम यहाँ से होता है, इसीलिए इसे मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, ये तीनों नाड़ियों की शुद्धि हो रही है ऐसे मन में कल्पना करनी है, उसके ऊपर ओटीपोट का भाग स्वाधिष्ठान चक्र सत्वगुण प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्थान वहां की चेतना निकालेगी, स्वाधिष्ठान चक्र ओटीपोट का भाग सत्वगुण प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्थान वहां की चेतना निकालेगी, वहां 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है ऐसे मन में कल्पना करनी है, यहां जो 72,000 नाड़ियां है वे 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है ऐसे मन में कल्पना करनी है, उसके ऊपर नाभि का स्थान मणिपुर चक्र सूर्य चक्र रजोगुण प्रदान करने वाले विष्णु भगवान का स्थान वहां की हम चेतना निकालेगी, नाभि का स्थान मणिपुर चक्र सूर्य चक्र रजोगुण प्रदान करने वाले विष्णु भगवान का स्थान वहां की हम चेतना निकालेंगे, यहाँ वैश्वान रूपी अग्नि होता है, यह अग्नि से हमारी अन्न का पचन होता है, यहाँ जो अग्निकुंड जला रहता है इस अग्निकुंड में काम क्रोध अहंकार इसकी आहुति देकर हमें ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ जो अग्निकुंड जला हुआ है इस अग्निकुंड में हम काम क्रोध अहंकार इसकी आहुति देकर हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर छाती का मध्य अनाज चक्र तमोगुण प्रदान करने वाले शंकर भगवान का स्थान वहां की चेतना निकालेगी, छाती का मध्य अनाज चक्र तमोगुण प्रदान करने वाले शंकर भगवान का स्थान वहां की चेतना निकालेगी, यहां हृदय हृदय के बाजू में दो फेफड़े ऊपर की फसलियां नीचे की फसलियां वहां की चेतना निकालेगी, हृदय हृदय के बाजू में दो फेफड़े ऊपर की फसलियां नीचे की फसलियां वहां की चेतना निकालेगी, पीछे नीचे पूरा पीठ का हिस्सा मेरुदंड वहां की चेतना निकालेगी, पूरा पीठ का हिस्सा मेरुदंड वहां की चेतना निकालेगी, दोनों हाथ के कंधे हाथ की भुजाएं हाथ की कोनियां हाथ के मनगट हाथ की दस उंगलियां हाथ के तलवे वहां की चेतना निकालेगी,
दोनों हाथ के कंधे, हाथ की भुजाएं, हाथ की कोनिया, हाथ के मनगट, हाथ की दस उंगलियां, हाथ के तलवे, वहां पे चेतना निकालेगी। कंठ का स्थान विशुद्धि चक्र, जहाँ वाणी वैकर के रूप से बाहर निकलती है, सरस्वती देवी का स्थान, वहां की चेतना निकालेगी। कंठ का स्थान विशुद्धि चक्र, जहाँ वाणी वैकर के रूप से बाहर निकलती है, सरस्वती देवी का स्थान, वहां की हम चेतना निकालेंगे। अब हमारा धड़ जो है वो धड़ पूरे रूप से मृत हो गया है, सभी धड़ की चेतना निकल चुकी है, हमारा धड़ मृत हो गया है। अभी हम ऊपर जाएंगे, हनौटी, मुंह, दोनों ओठ, दोनों गाल, वहां की चेतना निकालेंगे। हनौटी, मुंह, दोनों ओठ, दोनों गाल, वहां की चेतना निकालेंगे। दोनों कनपटिया, दोनों कान, दोनों नासिका, दो आंखें, वहां की चेतना निकालेंगे। दोनों कनपटिया, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों आंखें, वहां की चेतना निकाले। और अंत में भ्रुकुटी चक्र, भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र, अंत में भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र, वहां की हम चेतना निकालेंगे। जहां हम कुमकुम तिलक लगाते हैं वो भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र, वहां की चेतना निकाल लेंगे। यहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों देवता रूपी नाड़ियों का यहाँ मिलन होता है, इसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों देवता रूपी नाड़ियों का यहाँ मिलन होता है, संगम होता है, इसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं। इसको ही गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहा गया है, इसे प्रयाग तीर्थ कहते हैं। यहाँ इसको ही गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहा गया है, इसे प्रयाग तीर्थ कहते हैं। इस प्रयाग तीर्थ में मानस रूपी सरोवर में मन को स्नान करके केदारनाथ का दर्शन लेना है। इस प्रयाग तीर्थ में मानस रूपी सरोवर में मन को स्नान करके केदारनाथ का दर्शन लेना है। अब हम ऐसे कल्पना करेंगे कि हम हिमालय के सफर कर रहे हैं, हिमालय पे हम पहुंच चुके हैं, हिमालय पे हम सफर कर रहे हैं, जहाँ वहाँ बर्फ ही बर्फ हमें दिखाई दे रहा है और सूर्य के किरण उस बर्फ पर गिरकर चमक रही है, ऐसे हम कल्पना करनी है। उस वहाँ पे ठंड हवा का स्पर्श हो रहा है, ठंड हवा का स्पर्श में शरीर में उत्साह, चेतना आ गई है, ऐसे कल्पना करती है। घूमते घूमते हम एक गुफा के सामने आ गए, गुफा में हम देखते हैं तो गुफा में एक मंद ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश में हमें केदारनाथ का लिंग हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ फूल, अगरबत्ती, धूप आदि का जो सुगंध है, वो सुगंध हम उसका अनुभव ले रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। वहाँ जो फूल, अगरबत्ती, धूप आदि का सुगंध है, उसका अनुभव हम करने ले, उसका अनुभव सुगंध का करना है। वहाँ हम शांत नतमस्तक होके उस केदारनाथ के लिंग के सामने शांत वातावरण में हम नतमस्तक हो जाते हैं, घंटानाद हमें सुनाई देती है और इस शांत प्रसन्न वातावरण में हम केदारनाथ के लिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो हमारे कान पर धुन आ जाती है, ओ नमः शिवाय, ओ भ्रुकुटी मध्य से, हमारे नासिकाग्र से भ्रुकुटी मध्य तक चलने वाले सोहम रूपी श्वास गंगा में हम विलीन हो रहे, उसके प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। हमारे नासिकाग्र से भ्रुकुटी मध्य तक चलने वाले सोहम रूपी श्वास गंगा में हम विलीन हो रहे हैं, उसके प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, ऐसे मन में कल्पना करनी है। सोहम, सो सो
ओम 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 अब हम पूर्व स्थिति का अनुभव करेंगे। हमारा पूरा शरीर चेतना विरहित हो गया, मृत हो गया, पूरे शरीर की चेतना निकल चुकी है। हमारे शरीर में अभी चेतना भरनी है, शरीर में उत्साह भरना है, चेतना भरनी है। तो हमारा पूरा लक्ष्य अभी भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र वहाँ पे लेके जाना है। भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र वहाँ पे हम चेतना भर रहे हैं ऐसी कल्पना करनी है। भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र वहाँ पे हम चेतना भरेंगे। उसके नीचे दो आंखें, दो नासिका, दो कान, दो कनपटिया, वहाँ पे चेतना भरेंगे। दो आंखें, दो नासिका, दो कान, दो कनपटिया, वहाँ पे चेतना भरेंगे। दोनों गाल, दोनों ओठ, मुंह, हनौटी, वहाँ पे चेतना भरेंगे। दोनों गाल, दो ओठ, मुंह, हनौटी, वहाँ पे चेतना भरेंगे। नीचे कंठ का स्थान विशुद्धि चक्र, वहाँ पे चेतना भरेंगे। कंठ का स्थान विशुद्धि चक्र, जहाँ वाणी वैकर के बाहर, वैकर के रूप से बाहर निकलती है, सरस्वती देवी का स्थान, वहाँ कंठ का स्थान, वहाँ पे हम चेतना भरेंगे। नीचे पीठ का हिस्सा मेरुदंड, वहाँ पे चेतना भरेंगे। नीचे पूरा पीठ का हिस्सा मेरुदंड, वहाँ पे चेतना भरेंगे। दोनों हाथ के कंधे, हाथ की भुजाएं, हाथ की कोनिया, हाथ के मनगढ़, हाथ की दस उंगलियां, हाथ के तलवे, वहाँ पे चेतना भरेंगे। दोनों हाथ के कंधे, हाथ की भुजाएं, हाथ की कोनिया, हाथ के मनगढ़, हाथ की दस उंगलियां, हाथ के तलवे, वहाँ पे चेतना भरेंगे। हृदय का स्थान छाती का मध्य अनाहत चक्र, शंकर भगवान का स्थान, वहाँ पे चेतना भरेंगे। हृदय का स्थान छाती का मध्य अनाहत चक्र, शंकर भगवान का स्थान, वहाँ पे चेतना भरेंगे। हृदय, हृदय के बाजू में दो फेफड़े, ऊपर की पसलियाँ, नीचे भी पसलियाँ,
वहाँ पे चेतना भरेगी। हृदय हृदय के बाजू में दो फेफड़े, ऊपर की पसलियाँ नीचे की पसलियाँ, वहाँ पे चेतना भरेगी। नीचे पूरा पेट का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। नीचे पूरा पेट का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। नाभि का स्थान मणिपुर चक्र सूर्य चक्र, रजोगुण प्रदान करने वाले विष्णु भगवान का स्थान, वहाँ पे चेतना भरेगी। नाभि का स्थान मणिपुर चक्र सूर्य चक्र, रजोगुण प्रदान करने वाले विष्णु भगवान का स्थान, वहाँ पे चेतना भरेगी। यहाँ जो वैश्वान रूपी अग्नि है, यहाँ जो अग्निकुंड जला हुआ है, इस अग्निकुंड में हमने काम क्रोध अहंकार इसकी आहुति दी है, वो सभी हमारे अंदर से चले जा रहे हैं, ऐसे कल्पना करनी है। यहाँ के नस नाड़ियाँ जो है वो नस नाड़ियाँ की शुद्धि हो रही है, ऐसे कल्पना करनी है। नीचे स्वाधिष्ठान चक्र ओटीपोट का भाग, यहाँ की चेतना निकालेगी। ब्रह्मा जी का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र ओटीपोट का स्थान, वहाँ की चेतना निकालेगी। यहाँ 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, ऐसी कल्पना करनी है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो गई है, ऐसी कल्पना करनी है। नीचे गुदा का स्थान मूलाधार चक्र गणेश भगवान का स्थान, वहाँ की शुद्धि हो रही है, वहाँ हम चेतना भर रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। गुदा का स्थान मूलाधार चक्र, वहाँ पे चेतना भरनी है। यहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों देवता रूपी नाड़ियों की शुद्धि हो गई है, ऐसे कल्पना करनी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों देवता रूपी नाड़ियों की शुद्धि हो गई है। यहाँ हम गुदा का स्थान मूलाधार चक्र गणेश भगवान का स्थान, यहाँ हम चेतना भरेंगे। अब हम कमर से ऊपर वाले सभी अवयवों में चेतना भर चुके हैं, कमर से सभी ऊपर वाले अवयवों में चेतना आ चुकी है। अभी हमें कमर से नीचे वाले अवयव में चेतना भरनी है। कमर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। कमर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों नितंब दोनों जंघा, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों नितंब दोनों जंघा, वहाँ पे चेतना भरेगी। उसके नीचे बड़ी पिंडलियाँ मांडियों का भाग, वहाँ पे चेतना भरेगी। बड़ी पिंडलियाँ मांडियों का भाग, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों घुटने जानू, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों घुटने जानू, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों घुटनों जानू, वहाँ पे चेतना भरेगी। नीचे छोटी पिंडलियाँ पोटरियों का भाग, वहाँ पे चेतना भरेगी। नीचे छोटी पिंडलियाँ पोटरियों का भाग, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों पैर की नड़गिया ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों पैर की नड़गिया ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों पैर के मुंद्रे पैर का ऊपर वाला हिस्सा, पैर की 10 उंगलियाँ भूतल, वहाँ पे चेतना भरेगी। दोनों पैर के मुंद्रे पैर के ऊपर वाला हिस्सा, पैर की 10 उंगलियाँ भूतल, वहाँ पे चेतना भरेगी। और अंत में पाताल यानी पैर के तलवे, वहाँ पे चेतना भरेगी। अंत में पाताल यानी पैर के तलवे, वहाँ पे चेतना भरेगी। हमारे पूरे शरीर में चेतना आ चुकी है, पूरा शरीर हमारा चेतना में हो गया, पूरे शरीर में उत्साह चेतना भर चुकी है। हमारे शरीर को विश्रांति मिल गई है, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, मन रिलैक्स हो गया, मन शांत हो गया। अभी धीरे धीरे दोनों पैर को साथ में लाना है, धीरे धीरे दोनों पैर को साथ में लाना है, हाथ शरीर के साथ में लाना है, बाई तरफ मुड़ के उठ के बैठना है। दोनों पैर साथ में लाने, दोनों हाथ शरीर के साथ में लाने, धीरे धीरे बाई तरफ के और मुड़ के उठ के बैठना है। दोनों हाथों का अच्छी तरह से घर्षण करके चेहरे पे घुमाना है, बाद में आँखें खोलनी है। दोनों हाथों का अच्छी तरह से घर्षण करके चेहरे पे घुमाना है, बाद में आँखें खोलनी है, उसके पहले आँखें नहीं खोलनी है। आहिस्ते आहिस्ते दोनों पैर साथ में लाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ में लाने हैं, बाई तरफ मुड़ के उठ के बैठना है, दोनों हाथ का अच्छी तरह से घर्षण करना है और चेहरे को मुंह के बाद में आंखें खोलनी है। आंखों के ऊपर हाथ रखो, उठाते हैं तो हाथ आंखों के ऊपर हाथ रखो, आंखें जब से सुनने जाएंगे।